नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आपका स्वागत है एक्सेस भारत में। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह ने सोमवार को सर्जिकल स्ट्राइक विवादित बयान दे डाला। दिग्विजय ने जम्मू में रैली के दौरान सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग लिए। हालांकि अब उन्होंने अपने बयान से किनारा किया है। उन्होंने कहा कि वह भारतीय जवानों का सम्मान करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगे जाने के बयान से कांग्रेस की फजीहत हो रही है। भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश को पार्टी के बचाव में एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि आज वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह द्वारा व्यक्त किए गए विचार कांग्रेस पार्टी के नहीं, उनके व्यक्तिगत विचार हैं। 2014 से पहले यूपीए सरकार ने भी सर्जिकल स्ट्राइक किए थे। राष्ट्रहित में सभी सैन्य कार्रवाइयों का कांग्रेस ने समर्थन किया है और आगे भी समर्थन करेगी। जम्मू में रैली खत्म होने के बाद पत्रकारों ने फिर उनसे सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सवाल किए गए। इस दौरान दिग्विजय को बयान देने से रोका गया और पत्रकारों का माइक झटक दिया गया। दिग्विजय ने सिर्फ इतना कहा, हम सुरक्षा बलों का काफी सम्मान करते हैं और उनको सर्वोच्च स्थान देते हैं। गौरतलब है कि सोमवार को भारत जोड़ो यात्रा जम्मू पहुंची थी। उन्होंने इस दौरान सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे और भाजपा पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया। दिग्विजय ने कहा, केंद्र सरकार ने कहा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक में कई लोग मार गिराए, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है।